ऊपर तक देखो काम आ रहा है, अगर थोड़ी सी ऊपर होती तो। ये जो सामने आप चोट देख रहे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं मारा है, किसी भी व्यक्ति ने नहीं मारा है, बल्कि जो हमारे रक्षक हैं, ये उनकी गुंडागर्दी सामने आई है। जी हाँ, ये गुंडागर्दी नहीं और क्या है कि जिस तरह से मारा पीटा गया है एक व्यक्ति को, और वो भी उनके द्वारा जो रक्षक हैं, क्या ये सही है? साथ साथ में इनकी बात भी सुनिएगा कि आखिरकार इनके साथ हुआ तो हुआ क्या और क्यों हुआ? क्या इन्होंने कोई नशा कर रखा था जिसकी वजह से पुलिस वालों को इनको मारना पड़ा, या कोई गलत काम कर रहे थे जिसकी वजह से पुलिस वालों को इनको मारना पड़ा? क्या ऐसे कोई कारण थे? चलिए पहले पूछते हैं। सर, तुम अपना पहले नाम बताओ। मेरा प्रशोध कुमार नाम है, मैं वार्ड नंबर 135 का। उसके बाद यानी कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना प्राइवेट, ठीक है। उत्थे वो काम है, दिहाड़ी लगे तो पैसे मिलते, नहीं लगे तो पैसे कट्टी लेंगे। हूँ मेरे परिवार पिछले कुछ दिनों से तो लगे नहीं होने। हाँ जी, पिछले कुछ दिनों से तो लगे नहीं होने। नहीं, मेरे परिवार का कला मैं कमाने वाला, मेरा बच्चा 21 साल का मुंडा हैंडीकैप है, मेरी मिसी है बेचारी एक दो घर सामभद, मेरी बेटी है 14 साल की, वह भी मैं हार्ट का ऑपरेशन कराया 2014 में दिल्ली जाइए, वह भी कुछ को दुआ शुआ चुकी, अगू पिछू एन जी ओ को पैसे पुए लिए। हूँ कला में कमाने वाला बस, और कोई नहीं है मेरे पिछे, कोई सारा कोई नहीं है। परसों ही है कि कोई गल हुई, मंडी चली आ चक्कर लाने, मेरी मिसे आई आओ सैर करी आ, कन्ने में एक फार्म लियाना, बच्चे की पेंशन बंद हुई है, उतों फार्म लियाना, सोशल वेलफेयर से लगे साढ़े रिलेटिव उन्होंने को फार्म लियाना। मैं चलो चलिए, यह फार्म लैन गए तो मैं इन्हें आपे आखिया, मैं डॉक्टर ने भी दस दिया भाई थोड़ा हार्ट का ऑपरेशन होता तो थोड़ी सैर करा करो। मैं चक्कर लाने लगा, मैं दो चक्कर लाया, त्रीए चक्कर मैं थोड़ा सह लगा चल, मैं गई आ। होर भी लोग उत्थे बैठे दे, मुड़े बड़े खड़ोते दे बैठे दे, कोई अपने अपने ग्रुप बनाई, जनानियां सैर करा दे, बंदे सैर करा दे, मैं दो तीन चक्कर लाए ते मैं बेही उत्थे। बोने बाद इंदी कोई 5-7 मिंट बाद जिप्सी आई है पुलिस की, उत्थे अल्ला चल्ला पई आ, दौड़ भज दौड़ भज दौड़ दौड़िए, सारे मुड़े अगे पिछे दौड़िए, मेरे कन्नै दो जनानियां बैठे जिन्हें इन्हें डांग चलाई, जनानियां बेचारियां थोड़ी अंदर हुई, मैं भी थोड़ी अगे हुई, मैं जनानियां डरी, मैं भी थोड़ी अगे हुई आ, मैं पिछू आई आ डांग लिए, महाराज इन्हें डांग लिए है मी मारना शुरू करी ओड़े, इन्हें मैं सी जानता भी है मी चंगी तरह हली भाई पंज तीर्थी रोंदा, क्योंकि तो करियाने वाली दुकान उपर गए बेही रोंदा अंदर बाहर, मेरे कन्नै मेल मिलाप राजन यदा नाँ है, मैं तो राजन भैया मैं यार काका बोला ना, तू मैं पछाणते सही, इस बंदे की डांग नहीं रुकी है, मारदा गया मारदा गया। फिर मैं तो पैर हाथ लाया, मैं यार मैं हार्ट का ऑपरेशन कराया था, मेरे को नहीं हूँ चलन हो रहा है, मैं बस कर। फिर एक होर ये कन्नै संतरी आ, वो आया उन्हें पिछू दो त्रै ठुडे मारना शुरू, ठुडे मारे। अच्छा, एक जगह ठुडे लोग मारा दे, पुलिस वाले मारा दे, एक नाल लाठियां भी मारा दे। हाँ, एक पिछू होर आया था पुलिस वाला गए, उन्हें दो त्रै ठुडे मारे मिगी, मेरे को अगे नहीं चलन हो रहा। मेरा जुलम के है, मैं जब शराब पीती मेरी डॉक्टर ही कराओ, अगर साल तुम लगा मैं शराब पीती मेरी डॉक्टर ही कराओ, नहीं इतने पुए पेरे च, मैं पी मैं खाली करा ना, मैं दसो महा मेरे अपनी मिसरी कन्ने आ रहा, दिक्खो मेरी मिसरी चक्कर ला दी, निचले भी बेचारी आई है, ये आई इन्हें आखिया भाई की गल हुई है, इंदे कन्ने हत्थबाजी करना शुरू करी ओड़ी उन्हें, फिर जबरदस्ती मैं खिंचया बैठो बढ़ाओ इसी जिप्सी च, इन्हें आखिया क्यों बढ़ाओ कारण के है, नहीं नहीं आपे इसी चौकी दसने के करना, कन्ने के नहीं करना, बनैन भी फटी इंदे कन्ने भी हत्थबाजी की, एक पुलिस वाला और जो संतरी इंदे कन्ने वो गाला कड़न लगा, मैं यार तमीज कन्ने गल कर लेडीज सन जां तुसें लेडीज लेआंदी कन्ने, आखा चल तू चौकी जी दसने लेडीज लेई केह हुंदी है तेरे कन्ने केह हुंदा है, फिर अस जबरदस्ती ते जिप्सी नहीं बैठे, मैं जिप्सी फेर जंदा इन्हें भाई चौकी जी केह करना मेरे कन्नै केह नहीं करना, जबरदस्ती कोई चीज़ रखी ओड़ भाई एह्दे कोल बरामद होई है, अजकल्ल नैट का प्रोग्राम है, इन्हें बड़े बड़े फोटो खिंचने भाई एह्दे कोल फड़कोया, मैं कोई माँ की मासी आखना सवेरे इन्हें केस पाई ओड़ना मेरे उपर, हाली मैं कितना कुछ नहीं आया, बंदे करी कराइए मार पे बंदा आता मैं करी आया कुछ नहीं, मार पीए कोई डर नहीं, जब मैं किता ही कुछ नहीं, फिर इन्ना काम का इन्ना मारने के बाद भी फिर माफियां लगा मंगन, 500 ले लो, 1000 ले लो, दवाई के पैसे ले लो, मैं क्यों केली पैसे केली दे रहा, और एक इंसान की जान की कीमत 500-1000 होंगी है, थोड़ी तबीयत खराब सी, थोड़े लगातार मार दे गए मार दे गए मार दे गए, एक जान की कीमत सिर्फ 500-1000। मैं आई जी साहब पूछना भाई नहीं कुन्ने दिती थी अथॉरिटी मारने की, अगर कुछ ने जुलम भी किया उसी थाने नहीं मारी सकते, चौके नहीं मारी सकते, रस्ते तुम्हारे कोई पाप नहीं, अरे तू एक एस पी हो ये हाल करे कुछ पक्का ही जगह, तू तो दुनिया मारी ओड़गा, तू तो मनना कुछ नहीं है, है उ मैं पूछना चाहना आई जी साहब की कि अगर इन्ने बड़ी बहादुर पुलिस रखी नहीं सिन्नर भेजो थोड़ी देर उत्तर ट्रांसफर करा दें, उतु पता लगे कि उतुँ के बंदे उतु की पब्लिक की जी है, जम्मू की पब्लिक की जी है, जम्मू कि वेलकम होंगे उत्तर कि वेलकम होंगे, इतने फुले कने होंगे उत्तर गोलियां कने होंगे, वो आर्मी नहीं मना पुलिस आने कुछ मनते हैं, वो अपने जनून के पक्के
लेकिन अस लोग तरस डोगरे ना तरस खाई ओड़ने न, चलो भ्रा अपना डोगरा भ्रा कोई गल नहीं, लेकिन ये तरस खाने वाले नहीं है, ये तरस खाने वाले नहीं हैं और ये तरस नहीं खा रहे हैं। पर बात सबसे बड़ी आपको बताते चलें कि राजन जो एसपीओ की बात हो रही है, ये इससे पहले भी एक बार सस्पेंड हो चुका है। कारण आपको बताते चलें कि ऐसे कई कारण सामने आ रहे हैं कि कहीं वो पैसे पहले खाता था, मतलब वो रिश्वत लेता था, जिसकी वजह से उनको सस्पेंड किया गया था। इस तरह की जो रीजंस हमारे सूत्रों द्वारा सामने पता चल रहे हैं। पर अब सबसे बड़ी बात ये है कि एक महिला को महिला के साथ बदतमीजी करना और महिला को बोलना पुलिस थाने चलिए बिना किसी महिला पुलिस वाली के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए महिला से बात करते हैं, मैम से बात करते हैं। तुसी कोई काम पीछे गए है, कुछ कोई काम हाथों में? हाँ जी, बच्चे की हैंडीकैप के पेपर लेने गए थे, इनको बोला चक्कर लगाओ, तो मैं आई। जब आई तो 10 मिनट के बाद मैं आ गई। अगर आई जब आई तो इनको मार रहे थे। मैंने बोला रायन भैया आप क्यों मार रहे हो, मेरे को बात तो बताओ। ये इन्होंने शराब पी, मैंने बोला दिखा तो सही, चल मेरे साथ डॉक्टरी कार तो देख ले किसने पी है, तूने पी है या इन्होंने पी है, अगर पी होगी तो मेरे को बता, चल डॉक्टरी कर ले तो देख लेंगे। नहीं 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 नहीं, लगा बदतमीजी करने, इनको खींच खींच के गाड़ी में डालने लगा, जिप्सी में। मैंने इनको फिर खींचूँ, फिर वो धक्का मारे, फिर ले मेरे साथ भी बदतमीजी से गंदी गंदी गालियाँ निकालना शुरू हो गया। अच्छा, गालियाँ भी निकाली गई? हाँ, गालियाँ भी निकाल रहा था। मैंने बोला आप गालियाँ क्यों निकाल रहे हो, मेरे बंदे को हुआ क्या, दिखाना अभी तो मैं 10 मिनट नहीं हुआ इधर आए हुए, तो आपने मेरे बंदे को मार दिया। तेरे को मैंने बताया भी है रायन भैया इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मगर फिर भी तो खींचे जैसे कोई कट्टे को घसीट रहा वैसे तू खींचते जाए। अपने वार्ड के कॉरपोरेटर की तुस दस्या पूछने की कोशिश की कि मेरे ना इन्ना गलत होया, तुस कह ली मेरे नाल खड़ोते नहीं हो, के कारण है? गिरिया से कल डिप्टी मेयर ने बुलाया था, अस गिरे डिप्टी मेयर कोल, फिर इसी बुलाया डिप्टी मेयर आदि, चलो एक बार गलती हो गई, मां मेरे कन्ने गलती मेरी मारी गलती दी, अगे भाई इन्ने किन्ने मारना है। अच्छा, मतलब उन्होंने लगता कि सिर्फ एक गलती हुई दी है, तो छड़ दे दे, माफ करी ओड़ो सी। मैं आख्या नहीं, हुन मी आख्या था यार माफी दे ओड़, मेरी नौकरी चली जानी, होर जानी गल खत्म कर दे, टप कर, मैं जेड़े मेरे पेचे बैठे हुन मैं उन्दे कन्ने चलना, उन्दे कन्ने जी गल कर, शाम उन्दे कन्ने जियां आखणगे मैं इयां चलना, क्योंकि मैं मेरे महल्लेदार न और पुराने आ रहे थे बंदे, अस शाखा भी करते रहे हैं, अस राम और सारे करण सिंह और बाबा और अस पुराने बीजेपी के वर्कर आर एस एस भी मैं शाखा करने हैं, लेकिन मैं नहीं पिछे हट सकता, लेकिन मैं चाहिए इंसाफ। मैं दिहाड़ीदार बंदा, मैं कुन्ना हूँ मेरी दिहाड़ियाँ टुटे, मैं कुन्ना देने, अगर 3 महीने लॉकडाउन रहा है किन्ना कोई रिश्तेदार भी कोई अजकल रुपया दुआर नहीं दिता है, तो हूँ मेरे मासा कोई 3 महीने मैं डिप्टी पर गया, 10-12 दिन हो गए, फिर दोबारा छुट्टियाँ मर्ज लगी हैं। उन्होंने कल उत्थे कोई नवा बंदा रखी ओड़ना है, क्योंकि उन्हें पता एक गया तो दूआ आई जाना, हूँ किन्ने को गेट की मेन गेट की नौकरी है, मेन गेट उपर खाने पौंदा है, गड्डिया अंदर बाहर कराने पौंदियां, उत्थे बस उन्हें अज नहीं बंदा लब्भा, उन्हें कल होर फोन करना बंदा आई जाना, उत्थे मेरा फिर उ लॉकडाउन को भी भैड़ा हाल होना। बिल्कुल, लॉकडाउन से बुरी हालत जो हो जाएगी, इस तरह से मारा गया है, पैसे दिए जा रहे हैं, साथ साथ में आपको बता दें कि इनकी जॉब पर भी खतरा बन गया है। ये वो बंदे हैं जो सुबह खाने के लिए बाहर निकलते हैं, मतलब 2 वक्त का खाना जुटा लें और शाम को आके 2 वक्त का खाना खा लें, बट अब क्या करेंगे क्योंकि अब मारा गया है, ज़्यादातर नहीं चल पा रहे, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ कि नील जो हैं वो भी पड़े हुए हैं, इनकी जो शर्ट थी शर्ट पर भी निशान जो है वो नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ में आप खुद सोचिए जिस तरह से इन्होंने घर का गुजारा करना है, और वो एसपीओ जो इनके बारे में अच्छी तरह जानता है क्योंकि काफ़ी पुराना है, और फिर भी लगातार मार रहा है, क्या कारण है? और आपको साथ साथ में एक लीगल बात भी बताते चलें कि प्रोटेस्ट के समय पर भी अगर जब मारा जाता है तो वो टांग के नीचे से ही मारा जाता है, और इनको जो है कमर पर भी मारा गया है, इनका हाथ में अगर आपको अभी दिखाना चाहूँ इनके हाथ पर भी मारा गया है, तो मतलब इस बुरी तरह से पीटा गया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ज्यादती जो है वो इनके साथ हुई है। एक जगह इनकी बेटी का ऑपरेशन, एक जगह इनका खुद का ऑपरेशन, दूसरी ओर एक हैंडीकैप बच्चा जिसको ध्यान रखना इनकी ज़िम्मेदारी है, घर का खाना इनकी ज़िम्मेदारी है, तो सोचिए उसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती होना कितनी बड़ी बात है, और फिर भी कॉरपोरेटर यहाँ के कॉरपोरेटर का सिर्फ इतना कह देना कि कोई बात नहीं माफ़ कर दीजिए, क्या ये सही होगा? हम आगे यहाँ से SHO के साथ SHO साहब जो पंचीर्ति के हैं उनके पास भी जाएंगे, बातचीत करते हैं उनसे क्या आखिरकार क्या कहना है उनका। जिस तरह से हमने कहा था कि हम पड़ताल वहाँ तक करेंगे कि क्या बात हुई,
ये बात कहाँ तक पहुँची है, ये बात किसी के पास सुनी भी गई है या नहीं, तो आपको बता दें इसका रिपोर्ट जो है मतलब FIR जो है वो नहीं लिखवाई गई है। पर सबसे बड़ी बात जो है जस्टिस मिलना चाहिए इस पर, जितने भी चाहे वो SHO हों चाहे IGP हों, सब इस बात पर मान रहे हैं और हमने भी बात की है अनऑफिशियली। जो हमें बताया गया है उसका निचोड़ जो है वो यही निकलता है कि बहुत ही जल्द जो है जो जस्टिस है वो उस व्यक्ति को मिल जाएगा और ज़रूर एक कोई कड़ी कार्रवाई जो है SPO राजन के ऊपर हो सकती है। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।